एक काम कर, हम लोग ना आपसे यही खाया करेंगे। अब मेरे पास कोला वाली और भी है। चाहिए मुझे। इधर फायर लगी थी मतलब एक बार। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं मेरी बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने, पर मेरी बहन ही ब्लॉग में नहीं आएगी क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है। चलो हम खा रहे दो मिनट। तो हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे पर उसको बिना दिखाए, सिर्फ मेरे हिसाब से थोड़ा। और मैं तो बताना ही भूल गई थी कि आज मैं मेरी हेयर कट दिखाने वाली थी। तो ये है मेरी हेयर कट। मैंने काफ़ी हद तक लेंथ शॉर्ट कर दिया बालों की, और मुझे ब्लॉन्ड हेयर से बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, तो फिर मैं बैक टू ब्लैक करने का सोचा। तो अभी ये ब्लैक बाल है, मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्लैक में ही ज़्यादा अच्छी दिख रही थी। फिर मैं ब्लैक बाल करती तो मुझे ऐसा लगता है ब्लॉन्ड में ही ज़्यादा अच्छी दिख रही थी, मुझे ऐसा कन्फ्यूज़ होता है। तो अभी मैंने ब्लैक कर लिया और कुछ टाइम में वापस से चेंज कर दूँगी आई एम श्योर। तो मुझे सब कमेंट करके बताना कि मेरी हेयर कट आपको कैसी लगी है। एक बार देख लो पूरी तरीके से। तो मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी हेयर कट कैसी लगी है, और मुझे मैं क्या क्या ट्राई करूँ नेक्स्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे बालों से खेलने के लिए, कभी उनको ब्लीच करना, कभी कलर करना कुछ के कुछ। तो फिर मुझे बताना, मैं वो ट्राई करूँगी ज़रूर। तो यहाँ पर अभी ये स्पीड ब्रेकर बन रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी फास्ट फास्ट में लोग अंदर ला देते हैं गाड़ी। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से जाना, तो हम लोग यहाँ से जाते थे, और यहाँ से जाने पर ये जो है ना, ये मेरी बहन को बहुत ज़ोर से लग गया था और खून निकल रहा था। तो स्काउट मारियो वगैरह को आदत है यहाँ से जाने की, तो यहाँ से आते ही नहीं कभी भी, तो उनको ऐसे एकदम पकड़ पकड़ के लेके आना पड़ता है। अब ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। तो मैं कहाँ से जाऊँ मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वहाँ पर पूरा सीमेंट सीमेंट पड़ा है, और यहाँ से गए तो फिर वो पूरा वुड वगैरह लगता है और फिर पूरा खून वगैरह निकलता है। तो इतने सालों बाद मेरी बहन को संस्कारी बनने का मन हो गया, उसको लग रहा है कि आज हमें मंदिर जाना चाहिए पार्टी वार्टी मिस करके। और इतने सालों बाद हम लोग बर्थडे के लिए रुकते कि कुछ मिले मतलब पार्टी वगैरह, और बोलिए नहीं इस बार पूरा संस्कारी वे में करना है, हम लोग मंदिर जाएंगे और फिर बाद में कुछ खा लेंगे वगैरह। मतलब क्यों ही रुके हम लोग फिर बर्थडे के लिए। हाँ ठीक है, मतलब मंदिर जाना चाहिए, पर पूरा बर्थडे थोड़ी ना वहाँ पे ही मनाना चाहिए। क्या स्टूडेंट ऑफ द ईयर है कि शना है, और ये कोई तो दो बाकी के, ये कौन है? इतने सारे कहाँ से आ गए अभी? अरे बाप रे, हाय, इतने सारे किससे आ गए रे? अरे मारियो, मारियो जैसे दिखता तो मारियो जैसे दिखता है। अरे पूरा वहां तक आने वाले लो। अरे अरे क्या कर रहे तू पागल? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे 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 झगड़ा हो गया। अरे नहीं नहीं नहीं, झगड़ा मत करना प्लीज। अरे मुझे क्यों, मुझे क्यों, हाँ मुझे क्यों किया ऐसे ऐसे मारा मुझे? अरे पैर छोड़। तो ये हमारी सोसाइटी का कैफ़े, और आज बहुत लेट हो गया, तो शायद हम लोग यहाँ पे ही आज डिनर के लिए जाएंगे। ओ मैं जब कैफ़े को रिकॉर्ड कर रही थी तब मुझे इतना डर लगा क्योंकि वहाँ के लोग ऐसे देखने लगे कि यार ये रिकॉर्ड क्यों कर रही है। और फिर मैंने ऐसे फटाफट अंदर रख दिया कैमरा, और मैं चली गई सीधा। पता नहीं जिस दिन मंदिर जाना रहता है तो इतना भीड़। तो मैं बहुत टाइम से मंदिर में नहीं गई थी क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब मंदिर में गई थी तो वहाँ पे एक डॉग था, तो वहाँ पे मैंने उसको सिर्फ प्यार किया और वो इतने जोर से चिल्लाया गया था, तो सबको लगा कि मैं उसको क्या हर्ट करने जा रही हूँ या कुछ मार रही हूँ क्या पता। तो सब ऐसे वो पंडित वगैरह सब ऐसे देखने लगे, तो उसके बाद इतना एम्बैरेसमेंट हो गया कि मैं कभी गई नहीं मंदिर में, और फिर सीधा आज गई हूँ। तू तो इधर ही बैठो रहता है, इधर ही बैठो रहता है। किधर चढ़ने? बकरी का
बार बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी ऐसे स्ट्रीट्स पे डाल नहीं सकते, तो हमें बहुत अंदर एकदम आके डालना पड़ता है डॉग फूड। और इस साथ में ये पहली बार देख रही हूँ मैं साथ में खा रहे हैं यार, ना कभी साथ में नहीं खाते। थोड़ा दूर डाल दीजिए, इतना झगड़ा करते हैं नहीं तो फिर सीधा काटने लग जाते हैं एक दूसरे के फूड के लिए। एक बार मालूम है क्या, जब मैं एक खा रही थी ना कैंडी, तो फिर मेरी एक कज़न सिस्टर थी, वो बोल रही कोला वाला ट्राई कर, कोला वाला बहुत सही लगता। और मेरे को कुछ भी कोला फ्लेवर में नहीं पसंद, मतलब कोक पी सकती हूँ मैं और कोई भी कैंडी कोला फ्लेवर में मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो फिर वो बोली कि हाँ चल खा के देख बहुत अच्छा लगा। मैंने खाया, इतना बढ़िया, मुझे ऐसा लग रहा था कोई दवाई खा रही हूँ मैं, और वो दवाई भी एक्सपायर हो गई है पूरी। और वो मेरे को कैसे पूछती है कि कैसा लगा कैसा लगा, मैंने बोला बहुत अच्छा, मुझे लगा ही था तुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है वो तुझे अच्छा लगता है। मैंने बोला मुझे इतना भैया लगा नहीं, मैंने हाँ बहुत अच्छा था एकदम दवाई जैसा। तो बोलती मुझे लगा ही था, एक काम कर हम लोग है ना अब से यही खाया करेंगे, अब मेरे पास कोला वाली और भी है। हर एक सोसाइटी का एक भूत वाला एरिया रहता है, हमको लगता है भूत वाला एरिया है, हम यहाँ पे कभी भी नहीं आते। तो अभी हम लोग रेस्टोरेंट जाने वाले थे, पर बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है, मेरी मॉम ने कॉल करके बताया कि घर पे मेरे भाई ने नूडल्स और पिज़्ज़ा भेज दिए। ओ फक, अभी मेरे को हाथ में लगा, मुझे लगा क्या गया साफ बाप। यहाँ पे वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी मैचेस हो रही है, पर पता नहीं आज क्यों नहीं है, आज फ्राइडे है शायद इसलिए। तो हम लोग है ना इतने मतलब इतने चीप है ना कि ऊपर जाके बैठते थे एकदम लाइट के नीचे, हम चीयर लीडिंग करेंगे। हमारे यहाँ पे एक बहुत ही पतली सी ऐसी दुबली सी एक डॉग थी, तो हम उसको बहुत फीड करते थे रोज़, और वो अभी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो मुझे एक बार ये वाली सोसाइटी में दिखी थी वो, तो मैं उसको वहाँ पे डालने लगी कि अगर तू वहाँ पे रह रही है तो वहाँ पे खा ले, वगैरह इधर आने की ज़रूरत नहीं है। पर अभी वो कहीं भी नहीं दिख रही है, मतलब पूरी लॉस्ट हो गई। वॉचमैन से भी पूछा मैंने, वो बोला कि 6-7 बजे आती है यहाँ पे, पर फिर वापस से गायब हो गया, कहीं नहीं दिख रही अभी। तो अभी हमें पता चला है कि वो डॉग यहाँ पे कहीं तो भी है, तो हम लोग उसे विसल करके बुलाएंगे अभी। वो फेक कर रही है, वो बजा रही है पीछे से, मुझे नहीं आती है। आवाज आई आज उसकी, मैं पैकेट का आवाज करके बुलाती उसको। इधर से आवाज आई थोड़ी सी, मिल गई मेरा पूछता। अभी मुझे इतना डेंजर बच्चा मिला, इतना खतरनाक, ऐसे चल रहा था और ऐसे देख रहा था मुझे। फिर मेरे हाथ में बैग थी, मेरे बैग को ऐसे देखने लग गया, तो मुझे मेरे पास आ रहा, मेरे को इतना डर लग रहा उससे, ऐसा करता फटाई से मैं बैग पकड़ लेता और ऐसे खींचने लग गया। मैंने बोला क्या हुआ, मैंने बोला इसमें डॉग फूड है, जैसे कहता चाहिए मुझे। उसके मम्मी पापा बेटा छोड़ दो। और फिर मैंने बोला इतना ऑकवर्ड हो गया, फिर मैंने कोई बात नहीं होती, और मैं ऐसा लगा पागल हो गया बेटा। इसका कांच क्यों टूटा है? इधर फायर लगी थी मतलब एक बार, माय गॉड कोई आ रहा था, मैंने बंद कर दिया। अभी इतना डेंजर हुआ हमारे साथ, हम लोग है ना लिफ्ट में घुसे और फिर हमको लगा कोई तो भी आ रहा है और उसको टाइम लगेगा आने के लिए, तो हमने दरवाजा बंद कर दिया। और फिर हम लोग मैं ऐसे हंसने लगे कि है कोई आ रहा था, हमने बंद कर दिया है ये वो। और फिर वो अंकल ने दरवाजा खोला और ऐसे देखा मेरे पास कि तूने जानबूझ के बंद किया। और मैं जो बोल रही थी ना अंदर की है हमने बंद किया, कोई तो आ रहे थे हमने बंद कर दिया, और अंकल को पूरी आवाज़ गई और अंकल ने दरवाजा खोला और ऐसे देखा मुझे, ऐसे क्या एकदम कि तूने गया। और मैं बोल रही थी नहीं अंकल, अब नेल्स खाने लगी क्या, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब हमेशा हम लोग सबसे लास्ट तक घूमते हैं, मतलब जब तक पूरा स्ट्रीट पूरी खाली नहीं हो जाती और ऐसे कुत्ते की आवाज़ नहीं आ जाती, तब तक हम लोग घर नहीं जाते। अभी हम लोग साइकिलिंग करने वाले थे, क्योंकि मैंने इतनी साल हो गया है कि साइकिलिंग की नहीं है और मैं पूरा भूल गई हूँ, तो मुझे करना था ऐसे ट्राई कि मतलब कैसा मतलब बैलेंस वगैरह आएगा क्या मुझे। तो अभी वो बोल रही है कि बहुत रात हो गई और कोई भी नहीं है रास्ते पे, फिर हम लोग पागल लगेंगे चुड़ैलों जैसे साइकिल चला रहे दो लड़कियाँ ऐसे करके। तो अभी नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग साइकिलिंग करेंगे और मैं देखते हैं कि मुझे कितनी हद तक आती है और कितना याद है मुझे, मतलब कैसे करना है, मुझे बैलेंसिंग आएगा क्या। एक अंकल यहाँ से नीचे से वो उसमें से गए वहाँ से, और मैं नहीं जाने वाली वहाँ से, फालतू लग जाए।
बारी आ गई है हमारा नूडल्स खाने की। पिज्जा हमने खा लिया तो अभी सब सो गए हैं और अभी हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं, इसे मैं ज्यादा लाइट नहीं लगाया तो हम थोड़ा सा अंधेरे में ही खाएंगे। पूरा सील्ड है यार ये, अभी इसको खोलने में ही टाइम लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना है, कमेंट करके बताना कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में क्या करना चाहिए, शेयर करना है सबके साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।